भारतीय किसान यूनियन भानू की मीटिंग होती रहती है, जिले स्तर पर होती रहती है, लेकिन शासन ने अभी तक कोई भी आदेश नहीं करा है कि जो पहला भुगतान है वो किया जाए, क्योंकि अगला जो अग्रिम सत्र है वो स्टार्ट हो चुका है और हम बराबर अपनी मांग कर रहे हैं, बराबर हम रोड पे प्रतिदिन जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगों को सुनने के लिए, हमारे जो गन्ना भुगतान है उसको देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। साथियों, जहां तक दूध के रेट का सवाल है, एक पानी की बोतल 20 रुपए में 30 रुपए में मिलती है और जिस दूध को आप प्रतिदिन मेहनत करके, हर समय मेहनत करके अपने पशु से पैदा करते हो, उसका रेट आपको 25 रुपए या 30 रुपए मिलता है। कितनी लागत आती है उसमें, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों को सुबह से शाम तक आपके बच्चे हैं उनको पीने के लिए दूध नहीं मिलता और पानी का रेट जो एक नल से बोतल लगा करके पानी भरा जाता है और उस पर एक सील लगाई जाती है, उस सील बोतल का जो पानी का रेट है वो 30 रुपये 25 रुपये 20 रुपये आपसे ले लिया जाता है। किसानों का कोई आयोग नहीं है, कोई गठन नहीं किया गया, तो हम अपनी मांगों को किस आधार पे पूरा करें? जो भी सरकार बन करके आती है वो उसको किसान बनाते हैं और बनने के बाद में ये वादा करते हैं वो लोग जब वोट लेने के लिए जाते हैं कि आप हमें वोट दो और हम आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद में जिस भारी मात्रा से किसानों ने एकत्र होकर जिस पार्टी को जिताया जाता है, जिसकी सरकार बनाई जाती है, तो बाद में आकर के उनको, उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुना जाता। तो किसान, बिखरा हुआ किसान है देश का, आवश्यकता है यहाँ एकत्र होने की, इकट्ठा होने की। अगर हम बिखरे रहेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तो हमारी मांगों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और जो हमारे किसानों का जो उचित मूल्य है फसलों का, वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। दुनिया से कहती है दरिया कि हमें अपना हुनर मालूम है, निकलेंगे हम जिधर से रास्ता बनता जाएगा। तो साथियों, एकत्र हो जाओ और स्थान स्थान पर, हर जिले में, हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर इस तरह से एक भानु संगठन के नाम से, कितना भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के नाम से एक इतना जोश पैदा कर दो जो पूरे देश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में आप लोगों को हर जगह ये दिखाई दे कि हाँ, भानु संगठन के व्यक्ति इस ब्लॉक में भी हैं, इस तहसील में भी हैं, इस जिले में भी हैं। तो आप लोग इतनी दूर से, हर प्रदेश से आए हुए हो, इतनी मेहनत करके, इतनी परेशानी उठा के आए हो, तो यहाँ से आप लोगों का आने का जो तात्पर्य है वो ये है, कुछ सीखना है, एकत्र होकर जाना है और एकता में ही ताकत होती है। तुमने समझा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, चाहते तो दरिया भर के दूर बह सकते थे। तो साथियों, आज आपको यहाँ सुनने के लिए हमारे देश के कोने कोने से जो हमारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय लेवल के, जिले लेवल के, ब्लॉक स्तर के, तहसील स्तर के आए हैं, वो सब अपनी अपनी बात रखेंगे और जो यहाँ पर उपस्थित तो महिलाएं और जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता भानु ग्रुप के हैं, वो हर क्षेत्र में, हर स्थान पे एक ईमानदारी का कार्य करेंगे, जिससे हमें जो दूसरे ग्रुप हैं, दूसरे संगठन हैं, उनके मुकाबले किसी भी स्थान पर खड़े होकर हम ये कह दें हम कि हम भानु संगठन के सदस्य हैं, एक ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा के साथ
अपने किसानों को साथ में लेकर के सब किसानों को एकत्र करो, सबको एक साथ बताओ कि बिखरे हुए किसान की या किसी भी की जो बिखरा हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिस तरह से एक अंगूर का एक गुच्छा होता है और उस अंगूर के गुच्छे को अगर आप ठेले पर लेने के लिए जाएंगे तो जो उसमें गुच्छे में बंधे हुए अंगूर हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है और जो बिखरे हुए अंगूर हैं ठेले पे उनकी कीमत बहुत कम होती है। तो साथियों, इस तरह यहाँ का एक किसान, इस देश का किसान बिखरा हुआ है। अगर वो एकत्र हो गए, अपनी पहचान समझ लें, अपने कर्तव्य को समझ लें कि हम बिखरे हों क्यों हैं, इतनी भारी तादाद में होने के बाद भी, इतनी संख्या में होने के बाद भी जो हमारी सुनवाई नहीं होती, चाहे वो किसी की भी सरकार आए, उसको गुमराह कर दिया जाता है। वोट के समय पे उसको कहा जाता है कि हम आप लोगों की सबकी मांगे करेंगे और जब समय निकल जाता है तो उसके बाद हर स्थान पे, हर रोड पर आपको और हमको बैठना पड़ता है। साथियों, संगठन में बहुत ताकत है। आप एकत्र हो गए, एक जो आपके घरों में लाइट चल रही है, बिजली चल रही है, उसका एक लैंडमैन होता है। अगर आपके पास में ताकत नहीं है तो आपके फोन पे वो नहीं आएगा। और जब आपने ये परिचय दोगे उनको कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से फला पदाधिकारी बोल रहा हूँ या कार्यकर्ता बोल रहा हूँ, तो आपका वो अगर कहीं तार लगाना है, टूट गया है या कोई अन्य कार्य करना है तो उसको आपको तुरंत आएगा और फ्री करके जाएगा। इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, हर जगह चौकियां और थाने बने हुए हैं। जब आप लोग जनता के बीच में जाओगे तो आपको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनको सामना करने के लिए अगर आप लोगों में ताकत है और आपका एक मजबूत संगठन है तो वो काम अगर आपसे भी नहीं चलेगा तो जो आपके ऊपर उच्च अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं तो वो काम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो एक सिपाही आया और सिपाही आने के बाद भी आपने अपनी बात उससे नहीं कही या अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी बात का भी समाधान आपसे नहीं हो पाया तो आप काहे के पदाधिकारी हैं। अगर आपने आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी स्थान पर भी जाएंगे तो अगर आप में ताकत है, आपने टोपी लगाई है तो आप निसंकोच किसी भी कार्यालय में पढ़ सकते हैं और उस कार्यालय में पढ़ने पे जो अपना कार्य है उसको आप आसानी से करा सकते हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। एक नारा लगाएंगे, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।